पनीर खीमा। एक गांव में रामदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो एक छोटा सा ढाबा चलाते हुए अपने पत्नी और बच्चों के साथ गुजारा करता था। रामदास की दो बेटियां थी जिनकी शादी की उम्र हो चली थी। रामदास हमेशा अपनी बेटियों के शादी के बारे में ही सोचता रहता था। एक दिन रामदास की पत्नी जानकी, क्यों जी, आजकल लोगों की शिकायत है कि अपने ढाबे का खाना स्वादिष्ट नहीं है। अगर हमारे ढाबे में लोग नहीं आएंगे तो हम पैसे कैसे कमाएंगे? आपको हो क्या गया है? आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? एक वक्त था जब आपके हाथ का बनाया हुआ खाना खाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे, अब अचानक आपको क्या हो गया? रामदास, क्या बताऊं जानकी, तुम तो जानते ही हो, ये ढाबा मेरे पिताजी ने मुझे सौंपा था। हमारा ढाबा पुराना हो चला है, हमारे मुकाबले में नए नए ढाबे आ गए हैं। उनके चमक धमक को देखकर लोग वहीं जाते हैं खाने के लिए। अगर मैं भी उन लोगों की तरह मिलावटी वस्तुओं का प्रयोग करता तो मैं खूब पैसे कमाता, लेकिन वो मेरे सिद्धांत के खिलाफ है। मैंने जो कुछ पैसे कमाए अपने बेटियों की शादी के लिए मैंने बचा कर रखा है। मैं जानता हूँ कि वो कम पड़ेंगे। ये सब सोचते हुए मैं खाना पकाता हूँ, इसीलिए खाने में स्वाद नहीं होता। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट मिल जाए तो मैं अपने ढाबे को बढ़िया बना सकता हूँ। मेरी इच्छा है कि ना सिर्फ अपने गांव में बल्कि सारे राज्य में अपना ढाबा सबसे बढ़िया हो। ऐसा कहा तभी उसकी दोनों बेटियां राधा और माधवी वहां पहुंची। राधा अपने पिताजी से, पिताजी आप चिंता ना करो, हम भी अपने ढाबे को नया बनाएंगे। आपने हमारी शादी के लिए जो पैसे बचा कर रखे हैं उन्हें बाहर निकालिए, पहले हम ढाबा को बढ़िया बनाते हैं। तब रामदास, नहीं बेटे राधा, मैंने खूब मेहनत से ये पैसे कमाए और इन्हें बचा कर रखा है। अब मुझ में और खाना बनाने की हिम्मत नहीं है बेटा, बस मेरे पास एक ही रास्ता है, उस ढाबे को बंद करना। तब माधवी, ना पिताजी आप ऐसे ना करो, हम जानते हैं आप इस ढाबे से कितना प्यार करते हैं, आप इस ढाबे को ना बेचे पिताजी। एक दिन एक पार्क के बेंच में राधा और माधवी बैठे थे, तभी वहाँ चंटी और बंटी नाम के दो भाई पहुँचे। बंटी, हेलो गर्ल्स, क्या आपको किसी का इंतजार है? तब माधवी उठी और बंटी को जोर से एक थप्पड़ मारा। बंटी दंग रह गया। तब राधा, वैसे भी हम बहुत परेशान हैं, ऊपर से तुम्हें मजाक सूझ रहा है। तब चंटी, अरे इतनी सी बात पर तुम्हारे बहन ने मेरे भाई को मारा? अरे अभी से ये हाल है तो शादी के बाद क्या हाल होगा? तब माधवी, शादी होने के लिए हम दोनों के घर वालों को बातचीत तो करनी होगी ना, वैसे भी इस वक्त हमारे घर में शादी का कोई मोड नहीं है। तब बंटी, आखिर हुआ क्या, ऐसा पूछा। तब राधा और माधवी ने जो कुछ हुआ सब चंटी और बंटी को बताया। तब चंटी, अच्छा तो ये बात है, तो तुम दोनों यही चाहते हो कि तुम्हारे पिताजी ढाबा को बंद ना करें और उसे बढ़िया से चलाएं, इतनी सी बात है ना? मेरे पास एक आइडिया है, मेरे जान पहचान का एक व्यक्ति लोन दिलाता है, लेकिन उसकी एक आदत है, उन्हें लोन दिलाने से पहले वो खुद टेस्ट करता है कि जिन्हें लोन दे रहे हैं क्या वो लोन के हकदार हैं या नहीं। भाई अपना बिजनेस ढाबे का है तो ढाबे में कोई बढ़िया सा आइटम बनाकर दो, उसने खाया और उसे पसंद आया तो वो लोन तुरंत दे देगा। लेकिन एक समस्या है, वो प्योर वेजिटेरियन है, उसे नॉन वेज बिल्कुल पसंद नहीं है। अब उसे क्या बनाकर खिलाना है तुम ही फैसला करो। यूं सब मिलकर सोच रहे थे और बंटी राधा और माधवी के लाए हुए टिफिन बॉक्स खोलकर मजे से खा रहा था। तब चंटी, अरे कंबख्त, हम यहाँ पर सीरियसली सोच रहे हैं और तुम मजे से खा रहे हो। तब बंटी, यार ये पनीर की सब्जी तो बहुत ही मजेदार है यार। भाई कुछ भी कहो, हैं तो ये दोनों बावर्ची की बेटियाँ, भाई बहुत मजेदार पकाया है। तब माधवी, मेरे पास एक आइडिया है, यूं कहकर उसने उन सबको अपना आइडिया बताया। वो दिन आया जब लोन ऑफिसर को उनके ढाबे पर जाना था। राधा और माधवी ने पनीर को खूब अच्छी तरह से काटा, उन्होंने कढ़ाई में तेल डाला, प्याज लहसुन डालकर पनीर का कीमा बनाकर मसाला डालकर पनीर कीमा सब्जी बनाया। तभी लोन ऑफिसर वहां पहुंचा। लोन ऑफिसर, देखो बेटा, लगता है कि तुम दोनों नया नया खाना बनाना सीख रहे हो। अगर तुम दोनों का बनाया हुआ खाना मुझे पसंद ना हो तो मैं तुम्हें लोन नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारे इस ढाबे का चलना या ना चलना तुम्हारे इस खाने पर ही निर्भर है। भाई अगर तुम्हारा ढाबा चलेगा तभी ना तुम हमारा उधार चुकाओगे। ठीक है ठीक है, अपने होटल का स्पेशल डिश लाकर दो मुझे। इस तरह राधा और माधवी एक प्लेट में पनीर कीमा और दूसरे प्लेट में पाव लेकर आए। उस अफसर ने पाव को पनीर कीमा में डुबोया और उसे खाकर
अरे वाह 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 वाह, क्या स्वाद है, क्या स्वाद है, कमाल हो गया। मैं नॉनवेज नहीं खाता, लेकिन इसे खाकर मुझे नॉनवेज खाने का फीलिंग आया। सुपर सुपर कहकर पूरा खा गया। इस तरह उस अफसर ने उन्हें लोन सैंक्शन किया। राधा माधवी बहुत खुश हुए। उन पैसों से उन्होंने उस ढाबे को खूब डेवलप किया, नए किस्म के पकवान बनाने लगे। इस तरह बहुत ही कम समय में उनका खूब नाम हुआ। चंटी और बंटी ने अपने माँ बाप को मनाया। वो सब मिलकर राधा माधवी के घर गए, उनके माँ बाप से बात करके उन दोनों से शादी कर ली।